एक दिन सुबह सुबह एक बैंक में चोरी हो जाती है और वो चोर जो रहता है वो सारा सामान लूट कर ले जाता है। हमेशा की तरह क्राइम सीन पर पुलिस लेट आती है। पुलिस आने के बाद वहाँ के मैनेजर से मिलती है और मैनेजर उसे बताता है कि वो जो चोर था वो हाइट में बहुत लंबा था और उसने काले कलर के कपड़े भी पहन रखे थे और उसने अपना मुंह भी काले कपड़े से ढक रखा था। तो पुलिस को बैंक में काम करने वाले तीन लोगों पर शक होता है और वह उन तीनों को उनका सामान लेकर बाहर बुलाती है। जब वो तीनों लोग बाहर आ जाते हैं तो पुलिस उन तीनों के बैगों को ध्यान से देखती है कि शायद इन्हें देखने के बाद मुझे कुछ क्लू मिल जाए। पर साथ में पुलिस उन तीनों से पूछती भी है कि आज तुम तीनों बैंक में क्या करने आए थे। तो उनमें से सबसे पहला आदमी कहता है कि मैं तो अपने पैसे डिपॉजिट करवाने आया था। तो उनमें से दूसरी औरत कहती है कि मैं तो अपने पैसे निकालने आई थी। उसमें तीसरा आदमी कहता है कि मैं तो अपने पैसों को ट्रांसफर करवाने आया था। तो पुलिस उन तीनों की बातों को ध्यान से सुनती है और थोड़ी देर में समझ जाती है कि इन तीनों में से चोर कौन है। तो क्या फ्रेंड्स आप समझ पाए? तो ध्यान से सोचो और समझो, क्योंकि आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या आपको पता चला इसका आंसर? इसका आंसर वो तीजीता, बस आपकी आंखें तेज होनी चाहिए। अगर नहीं पता चला है तो चलो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है ये पहला वाला इंसान, मतलब कि जिसका नाम बैन है, आप तो इसे पहचानते होगे, यही चोर है। अगर आप इसके सामान में देखोगे तो एक ब्लैक कलर का सूट पड़ा हुआ है और जैसे मैनेजर ने बताया था कि चोर जो था वो काले कलर के कपड़े पहन के आया था और जो ये सूट भी काले कलर का, मतलब कि यही चोर है। क्या फ्रेंड्स आपका भी यही आंसर था? अगर यही आंसर है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में भी हमें जल्दी से जाकर बता देना। और चलो अब जाकर जब तक तुम देख लो हमारे वीडियो की सेकंड पहेली। एक शहर में एक बहुत पुरानी सुनसान हवेली है। लोग कहते हैं कि ये हवेली बहुत ही भूतिया है और इसके अंदर जो चला जाता है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। पर एक दिन क्या होता है कि वहाँ पर दो दोस्त आ जाते हैं और वह दोनों दोस्त कहते हैं कि हम किसी भी भूत भूत से नहीं डरते। और ऐसे कहने के बाद वह दोनों उस हवेली के अंदर चले जाते हैं। जब वह हवेली के अंदर आते हैं तो वह देखते हैं कि हवेली में कुछ भी नहीं है और सब सुनसान है और हवेली में तो लाइट भी नहीं जल रही, क्योंकि इसमें कोई रहता नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कट हुई पड़ी है। जब उन दोनों को वहाँ पर कोई भूत नहीं दिखता है तो वह उनको सामने तभी एक दरवाजा दिखता है और वह दोनों उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद एक संग वह दरवाजा बंद होता है और वहाँ पर तीन दरवाजे आ जाते हैं। उन तीनों दरवाजों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जो पहला दरवाजा है उसके अंदर वैम्पायर है और वह वैम्पायर इन दोनों का खून चूस लेंगे, और जो दूसरे नंबर पर दरवाजा है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है और वह इलेक्ट्रिसिटी इतनी खतरनाक कि इनको एक बार में ही ख़त्म कर सकती है, और तीसरे नंबर पर है भूत जो इन्हें डरा डरा के मार देंगे। तो दोस्तों सोचो कि इनमें से ये दोनों कौन सा दरवाजा चुने, ये क्योंकि ये जिसका जो आंसर होने वाला है वो बहुत लॉजिकल होने वाला है और आप ऐसे लॉजिकल आंसरों को तो देते ही हो, क्योंकि आपने ऐसे बहुत सॉल्व करे हैं मेरी वीडियो के। तो फ्रेंड्स सोचो और ध्यान में सोचो और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या दोस्तों आप इसका आंसर ढूंढ पाए? अगर नहीं ढूंढ पाए हो तो चलो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर बहुत इजी है। आप इसके सेकंड वाले डोर को देखोगे, वो डोर एकदम सेफ है, क्योंकि मैंने बताया था कि इस डोर में इलेक्ट्रिसिटी है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इस डोर में कैसे आ सकती है, क्योंकि जबकि मैंने शुरू में बताया था कि इस घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जबकि कोई रहता नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी की क्या जरूरत और उसको पे कौन करेगा।
इसलिए ये वाला डोर बिल्कुल सेफ है और केविन और बेन इस डोर के अंदर चले जाते हैं। तो अगली पहेली पहुंचने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार दीपांशु अपने ऑफिस से बहुत लेट हो जाता है और वह रात में अपनी गाड़ी को लेकर अपने घर की तरफ निकलता है। थोड़ी दूर जाने पर उसको रास्ते में 3 मैजिकल दरवाजे मिलते हैं। उनमें से पहले दरवाजे के ऊपर छप रहा है गोल्ड, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारा सोना है। उसमें दूसरे दरवाजे के ऊपर छप रहा है मनी, मतलब कि इसके अंदर जाने पर तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। और उसके तीसरे दरवाजे पर छप रहा है बन विश, मतलब कि इसके अंदर जाने पर आप कोई भी अपनी एक इच्छा पूरी कर सकते हो। इनमें से दीपांशु कौन सा गेट सबसे पहले खोले वो आपको सोचना है। तो दोस्तों आप अपना आंसर ध्यान से सोचो और ध्यान से सोचना, क्योंकि आपको जैसे आंसर पता लग जाए आपको आंसर कमेंट तो करना ही है, क्योंकि इसका आंसर तो बहुत इजी है कि इनमें से दीपांशु कौन सा गेट खोलेगा। तो सोचो सोचो और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आपको इसका आंसर पता चला? इसका आंसर तो बहुत इजी था कि इनमें से कौन सा गेट खोलेगा। तो दरअसल मैं बता दूं, इनमें से बेन कोई सा भी गेट नहीं खोलने वाला, क्योंकि मैंने कहा था कि बेन इनमें से कौन सा गेट खोलेगा। वैसे तो आप इंटेलिजेंट हो और आपका इसका आंसर पता भी चल गया होगा, पर आप जब ध्यान से देखोगे कि इन गेट के अलावा दीपांशु के पास और भी गेट है, क्योंकि दीपांशु एक कार में बैठा है और कार में भी तो गेट होते हैं। और मैंने पहली पूछी थी कि दीपांशु कौन सा गेट खोलेगा, तो दीपांशु को बाहर निकलने के लिए सबसे पहले अपनी कार का गेट खोलना है। उसे खोलने के बाद ही तो बेन बाहर निकल सकता है। तो इसका आंसर है कार का गेट। अगर आपको पता चल गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देने से घटती नहीं करिए जीवर दान, छीने से छिनती नहीं देते बढ़ता मान। क्या आप सब बता सकते हैं कि ये चीज क्या है? ध्यान से सोचो और आप सबका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स आपको पता चला? चलो मैं बताता हूँ, इसका आंसर है विद्या। इस पहेली में आपको बताना है कि इस आदमी की करेक्ट शैडो कौन सी है। तो फ्रेंड्स आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स आपको बताना है, कमेंट में बताना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या दोस्तों आपको भी इसका आंसर पता चल गया? अगर नहीं पता चला है तो चलो मैं बता देता हूँ। इस आदमी के करेक्ट शैडो है बी वाली, और मैं आपको इस शैडो से मैच भी करके दिखाता हूँ कि यही आंसर है। क्या फ्रेंड्स आपका भी यही आंसर था? अगर यही आंसर है तो आप हमें कमेंट जरूर कर देना। आप इस दोनों इमेजों को ध्यान से देखें और ध्यान से देखने के बाद आप हमें ये बताएं कि इनमें से किसकी माँ मूर्ख है। तो फ्रेंड्स आंसर बहुत इजी है, तो ध्यान से सोचो और अपना आंसर कमेंट करो और आप सबका टाइम शुरू होता है अब। क्या दोस्तों आपको इसका आंसर पता चला? इसका आंसर तो बहुत इजी था और इसका आंसर आप आसानी से दे भी सकते थे। तो नहीं पता चला है तो इसका आंसर चलो मैं बता देता हूँ। इसमें से ये पहली वाली माँ मूर्ख है जिसका नाम है जूली, क्योंकि अपने बेटे को मिर्ची खवा रही है। और ये जो दूसरी वाली माँ है ये आराम से खड़े होकर देख रही है, जिसका नाम है ग्वेन, क्योंकि इसे पता है कि इसका बेटा कॉटन कैंडी खा रहा है। तो इसका आंसर बहुत आसान था और शायद हो सकता है कि आपने इसका आंसर में कमेंट जरूर कर दिया हो।
तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पहली भी बहुत मजेदार थी, तो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना और वीडियो को लाइक तो आप जरूर करोगे ही। तो फ्रेंड्स, अब मैं कह देता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।